नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। पलवल के गांव फाटसको नगर में अरसों समय बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा सरकारी स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई और कक्षा पांचवी तक स्कूल को बीसी चौपाल में चलाया जा रहा है। चौपाल में एक कमरा व एक बरामदा बना हुआ है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 103 है। इसी के साथ कमरे के अंदर ही कार्यालय का स्थान, मिड डे मील द्वारा दिए जाने वाले खाने के लिए भी रसोई की व्यवस्था कमरे के अंदर ही है। यहां तक कि साफ सफाई वाले यंत्रों का जमावड़ा भी कमरे के अंदर बनाया हुआ है। गाँव के पंचायत मेंबर नवीन और भगवत कुमार ने बताया कि चौपाल में स्कूल चलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि पंचायती कार्य के लिए कई बार पंचायत का आयोजन भी चौपाल पर ही होता है तथा छोटे मोटे आयोजन भी चौपाल परिसर में कराए जाते हैं, जिसके चलते कई बार बच्चों को छुट्टी तक करा दी जाती है। वर्ष 2005 से गांव की अन्य चौपाल में बच्चों के लिए कक्षाएं लगाई जा रही थी। उसके बाद वर्ष 2014 में बीसी चौपाल का कांग्रेसी विधायक करण सिंह दलाल द्वारा उद्घाटन किया गया और तभी से अब ये कक्षाएं इस चौपाल पे लगाई जा रही है। अधिकारियों से लेकर नेताओं तक भी ग्रामीण कई बार स्कूल की बिल्डिंग के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जिस चौपाल में फिलहाल स्कूल चल रहा है, उसकी सीढ़ियों और कमरे की छत पर न तो कोई ग्रिल है, न ही कोई ईंटों की दीवार लगी हुई है, जिससे छोटे छोटे बच्चे कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। वहीं इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा का कहना है कि स्कूल बिल्डिंग को लेकर ग्रामीणों से कई बार बात की है। गांव के अंदर पंचायती जमीन नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा स्कूल बिल्डिंग के लिए यमुना की तरफ जमीन उपलब्ध कराई जा रही, लेकिन वहां बच्चों के जीवन के साथ खतरे को देखते हुए बिल्डिंग भी नहीं बनाई गई। लेकिन अब गांव के अंदर व आसपास कहीं सुरक्षित जगह चिन्हित कर बिल्डिंग बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। डिस्टर्बेंस यही है जी, कोई भी पंचायत का काम है या कोई आयोजन है तो बच्चों को यहाँ से फिर क्लास हटाई जाती है। मतलब कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम होता है तो स्कूल से बच्चे हटाए जाते हैं, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है, छुट्टी कराई जाती है। और यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, एक ही कमरा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कहीं ऐसी जगह मिल जाए जो खुली जगह, जिस मतलब बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये चौपाल है, जैसे कोई भी काम होता है पंचायत का, सारे काम इसी में होते हैं। बच्चों की मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती रहती है। मैं जी यही दिक्कत है कि जी बच्चों के लिए मतलब स्कूल की जो पंचायत है का है जी, उसी में ही तो मतलब पंचायत होती है जी, और उसी में बच्चे पढ़ते हैं। और ना तो ही मतलब जी, जैसे कोई अगर पंचायत होती है तो मतलब बच्चे इनके लिए यहाँ छुट्टी करानी पड़ती है जी, और जब ही पंचायत होती है जी। और ना तो जी मतलब जैसे कि मतलब रखते हैं जी, जैसे बच्चे मतलब कहते हैं छुट्टी हो जाए तो उसी में पंचायत भवन है, उसी में मतलब बीसी चौपाल की पंचायत उसी में होती है और स्कूल भी उसी में ही है जी। यही चाहते हैं जी कि बच्चों के लिए जी स्कूल बनवाया जाए जी। डीसी साहब से भी दरखास्त दे रखी है, तहसीलदार से भी दे रखी है जी, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी चौपाल में स्कूल लग रहा है। जैसे हमने उनसे बात की, यानी पंचायत से बात की, तो पंचायत जो यमुना के बिल्कुल नज़दीक जमीन एक बार देने को तैयार थे, लेकिन वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए कोई भी हादसा बच्चों के साथ हो सकता था, वहाँ संभव नहीं है। अब जो है पंचायत को हम मना रहे हैं, हम कह रहे हैं भी किसी भी तरह से जो पंचायत की ज़मीन है वो हमें दे दी जाए, जहाँ से बच्चों का आवागमन ठीक तरह से हो सके। जिस प्रकार से जो पंचायत ने समय मांगा हुआ है और जिस प्रकार से पंचायत और गाँव जैसे ही फैसला लेगा, वैसे ही हम जो है उसको तैयार कर लेंगे। प्रयास हुए थे, बिल्कुल हुए थे, लेकिन क्या है, गाँव के लोग ही इस मसले के अंदर बिल्कुल जो है वो देने को तैयार नहीं थे। अब थोड़ी संभावना बनी है और जैसे ही जमीन हमारे पास आ जाएगी, हम उसमें बिल्डिंग करके अपने बच्चों का भविष्य सुधार देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।